हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा पे, और मैं अमित सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस, आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूं। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, पहला सवाल आप सभी से, बायोटेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि बायोलॉजी इज कॉल्ड जीव विज्ञान, बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ, हिंदी में इसे जीव विज्ञान कहते हैं, जीवों का विज्ञान। और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है हिंदी में प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी जिसमें एप्लीकेशन ऑफ साइंस होती है, टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस। तो जब जीवों को एप्लीकेशन ऑफ साइंस में इस्तेमाल किया जाने लगे तो उस ब्रांच ऑफ साइंस को जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहा गया। तो हिंदी में इसे हम बुलाते हैं जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी। अब बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत कई सारे हैं, उसके कई सारे प्रोसेसेस यानी विधियां भी कई सारे हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए मनुष्य अपने लाइफस्टाइल को एनहांस कर पाया है। चाहे मैं कृषि के क्षेत्र में बात करूं, एग्रीकल्चर की बात करूं, या फिर मैं चिकित्सा यानी मेडिकल की बात करूं, या फिर मैं इंडस्ट्रियल पर्पसेस यानी जो इंडस्ट्रीज हैं, मिल कारखाने हैं, उनमें इनका इस्तेमाल की बात करूं, तो वहां भी इनका काफी लंबे समय से इस्तेमाल होता आया जा रहा है और रिसर्चेज रोज होती रही हैं ताकि हम अपने इस ह्यूमन लाइफ को और कैसे एनहांस कर सके। मुझे उम्मीद है मेरी आवाज आप सब तक क्लियरली आ रही है। रिंकी, रीना, रोहिणी, वेलकम टू द सेशन। ज्योति, वेलकम टू द सेशन। रीना कह रही है सर बैच कैसे परचेज होगी, समझ नहीं आ रहा। बेटा आज मैं लाइव आपको बैच परचेज करके आपको दिखाऊंगा कैसे बैच परचेज करना है, आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव अहेड। व्हाट इज, सबसे पहला सवाल, व्हाट इज जीएमओ? जीएमओ होता क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होती क्या है? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और जीएमओ कैन बी द प्लांट्स, वो पौधे हो सकते हैं, वो पौधे हो सकते हैं, वो जीवाणु हो सकती, वो कवक हो सकती, वो जंतु हो सकते, क्योंकि ये सारे जीवित जीव हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी की बात करूं तो वी स्टडी मोनेरन्स, वी स्टडी प्रोटिस्टेंट्स, वी स्टडी प्लांटी, वी स्टडी एनिमालिया, वी स्टडी फंगी। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर डाइवर्सिटी में हम स्टडी करते हैं तो हम इनका इस्तेमाल भी अपने लाइफस्टाइल को एनहांस करने के लिए जेनेटिकली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी और एनिमल्स, जिसके जीन को यानी जो उसकी फंक्शनल यूनिट है, जो उसके कैरेक्टर्स को डिसाइड करती है, उसके अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन, जिसे हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। आई होप व्हाट इज जीएमओ ये आपको क्लियर है। नाउ व्हाट इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप? तो ट्रांसजेनिक का मतलब ही हो गया जो मैनमेड हो गया आर्टिफिशियल विद द हेल्प ऑफ बायोमेडिकल और जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप इज अ क्रॉप दैट कंटेन्स एंड एक्सप्रेसेस अ ट्रांसजीन, मॉडिफाइड जीन को अब्सॉर्ब करती है और फिर उसको एक्सप्रेस करा देती है विद सर्टेन डिजायर्ड कैरेक्टर्स। दैट जीन इज कॉल्ड अ ट्रांसजीन व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ क्रॉप, देन इट बिकम्स अ ट्रांस क्रॉप या ट्रांसजेनिक क्रॉप। अ पॉपुलर टर्म फॉर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स। फ्लेवर सेवर पोटैटो, गोल्डन राइस, ब्रासिका नापा, ये जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं ये सब क्या है? ट्रांसजेनिक प्लांट्स के ही एग्जाम्पल्स हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के नाम से जाने जाते हैं। अब वो तकनीक जिसके बदौलत ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को बनाया जा सकता है, और बनाने के बाद उसके फायदे के मद्देनजर अगर हम देखें कि अगर मैं ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाता हूं तो इसको इंसानी सभ्यता के ऊपर कौन सा लाभ दिखता है? पहली यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये रहेगी कि कोई भी जीन, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म से लें, वो प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, फंगी हो या एनिमल हो, इट कैन बी सिंथेसाइज्ड एंड कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफर। और उसको हम, मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म के जीन को हम निकाल सकते हैं, स्प्लाइस कर सकते हैं और उसको किसी एक डिजायर्ड होस्ट में, शिकार में हम क्या कर सकते हैं? इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के टेक्निक की, मतलब यहां पे मैं बात कर रहा हूं द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। विद इन द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी व्हाट वी कैन डू इज किसी भी हम सर्टेन डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म के जीन को निकाल के, स्प्लाइस करके,
फिर किसी दूसरे होस्ट यानी शिकार में, जिसमें हम चाहते हैं कि उसके जेनेटिक जो जेनेटिक जो स्कीम है उसको मैनिपुलेट कर पाए। मतलब अगर मेरे अंदर के कैरेक्टर्स को आप बदलना चाहते हो तो किसी एक बैक्टीरियल जीनोम को आपने उठाया और वो आपने मेरे अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब उस बैक्टीरियल कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे अंदर क्या होंगे, इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। अंकिता तिवारी बेटा क्लासेस रोज हो रही हैं, क्लासेस तो रोज हो रही हैं, आज सुबह 7 बजे वाली भी क्लास हुई, 11 बजे वाली भी क्लास हुई, 12 बजे वाली भी क्लास हुई, 3 बजे वाली भी क्लास हुई, शाम को 7 बजे वाली क्लास भी हो रही है। दीक्षा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आगे देखिए, द चेंज इन जीनोटाइप कैन बी प्रिसाइसली कंट्रोल्ड सिंस ओनली द ट्रांसजीन इज एडेड इनटू द क्रॉप जीनोम। यहां जो बात की गई है ट्रांसजेनिक क्रॉप के रेस्पेक्ट में बात की गई है, मतलब अगर किसी पौधे के अंदर अगर हम कोई चाहते हैं कि दूसरी कैरेक्टर्स दिखे, उत्तर प्रदेश में एक जगह है शाहजहांपुर, वहां पे एक मैंगो प्लांट की देखभाल एक व्यक्ति करते हैं जिसके ऊपर 82 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मैंगो उगाई जाती है विद द हेल्प ऑफ बायोमेडिकल या जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो किया क्या है, अब समझ लो अल्फांसो है या चौसा है, दशहरी है, जो भी अलग अलग वैरायटी है मैंगो की, उसकी डिजायर्ड जीन को या जीनोम को हम स्प्लाइस करते हैं और जो ओरिजिनल प्लांट है, समझ लो लंगड़े का पेड़ है, लंगड़ा इज अ वैरायटी ऑफ मैंगो, उसमें हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया वो जीन जिसको हमने निकाला और फिर इस होस्ट में हमने डाला, यहां आने के बाद अगर वो डिजायर्ड कैरेक्टर्स दिखाने लगे तो दैट इज अगेन अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्रोसेस, ऑल्सो नोन एज द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। Getting my point? So the techniques that are used for the production of transgenic crops, वो सारे तकनीक जिससे हम transgenic crops का निर्माण करते हैं, उसकी सबसे अहम दो वजह है, एक कि हम किसी भी desired gene को लाके हम इस crop में डाल सकते हैं, और दूसरा वो crop उस desired gene को incorporate करके वैसी ही characteristics भी दिखाती है। Clear है? अंकिता फिजिक्स की क्लास कल या परसों से अलाइन होने वाली है, क्योंकि अभी बहुत सारे 5-6 क्लासेस हो गए हैं तो थोड़ा वक्त कम मिल रहा है, तो फिजिक्स की क्लासेस भी एक आध दिनों में मैं लगवा दूंगा और आपको ग्रुप में इन्फॉर्म करवा दूंगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, ये तो हो गई हमारी जीएमओ ट्रांसजेनिक क्रॉप और उसके एडवांटेजेस। नाउ व्हेन अ ट्रांसजीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जब हम किसी एक ट्रांसजीन को निकाल के किसी ऑर्गेनिज्म में डालते हैं तो इट कैन अचीव वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इनमें से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स वो दर्शाता है, एक्सप्रेस कराता है। पहला, इट कैन प्रोड्यूस अ प्रोटीन फॉर विच वी आर इंटरेस्टेड। अगर समझ लो पहले वो ऑर्गेनिज्म एक प्रोटीन नहीं बनाता था, लेकिन किसी एक दूसरे जीनोम को हम लाके जिसके अंदर कुवत थी प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की, उसके जीनोम को लाके हमने इसके ओरिजिनल जीनोम में ला दिया और वो इनकॉर्पोरेट कर लेता है उस ट्रांसजीन को, तो अब वैसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स वो दिखाएगा जैसी कि वो उस ट्रांसजीन की थी। तो एक काम तो ये दिखेगा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, कि अगर हम उस डिजायर्ड जीन ट्रांसजीन को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं इनटू अ डिजायर्ड प्लांट, तो इट कैन प्रोड्यूस अ प्रोटीन फॉर विच वी आर इंटरेस्टेड, जिसकी जरूरत हमें थी। इट कैन प्रोड्यूस अ प्रोटीन विच कैन प्रोड्यूस डिजायर्ड फिनोटाइप, और अगर नहीं तो दूसरी बात यह हो सकती है कि वो एक ऐसे प्रोटीन का निर्माण करा दे जो डिजायर्ड फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को जन्म दे यानी प्रोड्यूस करे। तीसरा, इट कैन मॉडिफाइड एन एग्जिस्टिंग बायोसिंथेटिक पाथवे सो दैट अ न्यू एंड प्रोडक्ट में बी ऑप्टेड। अब अंदर कई सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हमारे बॉडी में चलती रहती हैं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलती रहती हैं। हमारे ट्रांसजीन को इनकॉर्पोरेट करने का सबसे पहला वजह यही था कि डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक जैसा हम चाहते हैं वैसे उसे प्राप्त हो, तो अगर वो प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं करा पाया, या फिर दूसरा पॉइंट, अगर वो डिजायर्ड फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स भी नहीं निकाल पा रहा, नहीं बना पा रहा, तो तीसरा ये काम जरूर कर सकता है कि वो जो अंदर चल रहे हैं बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस होंगे उनके अंदर तब्दीलियां ला देगा, जिससे एक नया प्रोसेस स्टार्ट होने लगे बॉडी के अंदर, और ऑब्वियस सी बात है नई केमिकल रिएक्शन तो नए एंड प्रोडक्ट्स, नए एंड प्रोडक्ट्स तो नए कैरेक्टर्स, दैट मींस मॉडिफिकेशंस, एंड दिस मॉडिफिकेशन इज व्हाट वी कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बोलो चमक रहा नहीं चमक रहा, आया ना? अर्पित, ज्योति, अंकिता, रिंकी, रोहिणी पाल, यार जितने लोग हैं अगर चमक रहा है तो एक बार दिल 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 दिखना चाहिए, है ना, हार्ट्स दिखने चाहिए। चौथा पॉइंट, इट कैन प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग नेटिव जीन, और ये तीन ना हुआ तो चौथा ये काम तो जरूरी करा सकता, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोई एक ही कराएगा, हो सकता है कि चारों करा दे, हो सकता है कि तीन करा दे, हो सकता है कि एक करा दे, हो सकता है कि चारों करा दे। चौथी चीज यह है कि जो पहले से एग्जिस्टिंग होस्ट की जीनोम होगी उसके अंदर तब्दीलियां लाके एक नए ही कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कराना स्टार्ट कर दे। क्लियर है?
अर्पित कौर सर, आई हैव डन माय बीएससी विद बायोटेक्नोलॉजी ओनली, बट अब क्वेश्चंस न्यू हैं, आने लगे हैं, लेटेस्ट भी कराइएगा ट्रेंड में। बिल्कुल, वो लेटेस्ट ट्रेंड पे जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे बायोटेक के और उसके एप्लीकेशंस पे, जब आगे बढ़ेंगे, जब मैं इसके पूरे कंटेंट को पीजीटी वाले बैच में पढ़ा लूंगा, तो आपको उसके क्वेश्चंस को करने में भी मजा आएगा। जैसे प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, पीसीआर रिएक्शन में क्या क्या स्टेजेस होते हैं, अनीलिंग क्या होता है, ये सारी बातें एक एक करके बताऊंगा। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस हम तीन जगह स्टडी करते हैं, एक कृषि के क्षेत्र में एग्रीकल्चर, दूसरा चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल्स, और तीसरा इंडस्ट्रियल यूजेस में, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे हम इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं अपने डिजायर्ड होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, ताकि डिजायर्ड जीन के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिले। यही तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। आपको क्या लगता है आज के दिन में अगर सर्जरीज आसान हो गई तो वजह क्या है? कोविड जैसे खतरनाक बीमारी का भी हमने थोड़ा सा इलाज लगभग कर लिया है, एक प्रोटेक्शन तो लगभग तैयार कर ही लिया है, इसकी वजह क्या थी? पहले के दिनों में बहुत ज्यादा मौतें होती थी, आज तो आप 2019 से 2021-22 के बीच जो आपने कोविड का मार देखा, उसमें उसकी जो मारक क्षमता थी, यानी जो डिस्ट्रक्टिंग पावर थी, वो पीक जरूर लिया, लेकिन हमने जल्दी उसको दबा दिया। किसके सहारे? इसी बायोटेक्नोलॉजी के सहारे। कैसे? डिजायर्ड जीन को इनकॉर्पोरेट कराया, जैसा प्रोटीन वो बनाता था उसी प्रोटीन के खिलाफ एक दूसरा प्रोटीन बनवाया, ताकि जो प्रोटीन वो सिंथेसाइज कर रहा हो उसकी प्रोसेस को वो बेकार कर दे, एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस चल रही हो उस प्रोसेस को ही तोड़ दे, और कुछ दूसरा जीनोम बनाने लगे, कुछ दूसरा प्रोटीन एनकोड करने लगे, ताकि अपने बनाए हुए चीज के खिलाफ ही वो लड़ना स्टार्ट कर दे। दिस इज वॉट योर कोविड 19 के इंजेक्शन, जिसे आप अब तो मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा है, इतने दिन हो गए, आपने कोवैक्सिन लिया है, कोविशील्ड लिया है, मॉडर्ना लिया है, यस और नो, स्पुतनिक लिया है, ये सब क्या है? दे आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन एज पर आर डिजायर्ड कैरेक्टर्स दैट वी नीड फॉर आर बॉडी। गेटिंग माई पॉइंट? आज सर्जरीज, माइक्रो सर्जरीज आप सुनते हो, पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो गया, पैनक्रियाज में कुछ रिसेक्शन करना है, लिवर का रिसेक्शन करना है, गॉल ब्लैडर का सर्जरी कराना है, पित्ताशय में कुछ हो गया है, या फिर बॉडी के अलग अलग हिस्सों में कुछ भी हो रहा है, तो ओपन ना करके हम माइक्रो सर्जरीज कर देते हैं, बाईपास सर्जरीज कर देते हैं। आसान इसलिए हो गया बिकॉज नाउ स्टिचिंग के लिए, जब कोई टिश्यू कटती है तो काटने के बाद उसको स्टिच करना पड़ता है, ताकि कोई बीच में इंटरसेल्युलर गैप्स ना रह जाएं। उन स्टिचेस को प्रॉपरली बाइंड करने के लिए जिन सूचर्स की जरूरत पड़ती है, उन सूचर्स को भी जेनेटिकली मॉडिफाई करके ही बनाया जाता है, ताकि आपके बॉडी के साथ वो ग्राफ्ट कर जाए, आपके बॉडी को वो पहचान ले, तो उसमें भी बहुत सारी एन इंजीनियरिंग लगती है। अंडरस्टैंडिंग? बकरियों में, मैं आपको बताऊं, बकरियों में काफी सारी इसके यूजेस है, मैं बोलता रहूंगा तो बोलता रह जाऊंगा। बायोटेक्नोलॉजी इतने खतरनाक तरीके से प्रोस्पेक्ट कर रही है, बिकॉज द फ्यूचर ऑफ साइंस इज जेनेटिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक्स, यही सब फ्यूचर है साइंस की, जिसकी डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स किस स्कोप पे बढ़ रही है ये आप सोच भी नहीं पा रहे हो एज ऑफ नाउ, लेकिन जैसे जैसे आप इस पे टाइम दोगे तो फ्यूचर ऑफ साइंस इज व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इज अभी साइंस का फ्यूचर है। कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आपको मजा आएगा समझ के, उसके बाद मैं कंटेंट के आगे ऊपर भी बढ़ूंगा। एक एग्जांपल जो आपको देना चाहता हूं वो ये है, आप जानते हैं कि ट्रांसजेनिक माइस, सबसे पहले अगर एनिमल्स के रेस्पेक्ट में बात करूं तो एनिमल्स में सबसे पहले चूहों पे सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया, चूहों के अंदर डिजायर्ड जीनोम को हम डाल के उसके अंदर वेरिएशन स्टडी कर रहे थे, चूहों पर ही सबसे पहला सक्सेस भी इंसान को प्राप्त हुआ, लेटर ऑन हमने पिग्स पे ये सारी रिसर्च स्टार्ट करी, क्योंकि डायरेक्ट इंसानों पे करना दैट इज अगेन मतलब बायोमेडिकल वॉर छिर जाता, इंसान इंसान को मारने लगता कि विदाउट एनी प्रॉपर रिजल्ट हाउ कैन यू डू एन एक्सपेरिमेंट ऑन एन इंडिविजुअल हु इज लिविंग हैविंग कॉन्शियसनेस। तो पिग के ऊपर, गिनी पिग्स के ऊपर रिसर्च होना स्टार्ट हुआ, लेकिन गिनी पिग के साथ एक दिक्कत ये सामने निकल के आती है, अदरवाइज आज बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं इंसान की जिसको खत्म कर दी जा चुकी होती, लेकिन अभी भी रोज हमारे आपके जैसे कितने ही रिसर्चर्स दिन रात लगे हुए हैं ताकि हर एक बीमारी की निजात निकाल पाई जाए इसी बायोटेक्नोलॉजी के मदद से। तो बायोटेक्नोलॉजी के ही मदद से पिग के जीनोम में हमने एक ऐसा प्रोटीन को एनकोड किया जो हमारे डिजायर्ड डिजीज के प्रोटीन को क्या कर दे, बाढ़ प्रोटीन को एनकोड किया जो हमारे डिजायर्ड डिजीज के प्रोटीन को क्या कर दे, बाढ़ कर दे। लेकिन पिग के अंदर जो दिक्कत आई वो ये आई कि पिग के अंदर ऑटोमेटिकली एक ऐसी प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है, एक ऐसी प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है जो उसको जीने नहीं दे रही।
इसलिए कोशिश अब यह किया जा रहा है कि क्या उस प्रोटीन के लिए एक ह्यूमन प्रोटीन को इनकोड किया जा सके, जिससे आगे आने वाले समय में गिनीपिग्स के बाद बंदरों के ऊपर रिसर्चेस चल रहा है, तो बंदरों को मारना या बंदरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट बंद किया जा सके। तो अभी इंसानों की अपलिफ्टिंग के लिए, इंसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अभी रिसर्चेस गिनीपिग्स मंकीज पे चल रही है, माइस पे चल रही है। अगर सक्सेसफुल रिजल्ट्स वहां से आने लगे तो ये सारी चीजें बंद कर दी जाएंगी और किसी एक दो ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही रिसर्चेस चलेंगे। इसीलिए काफी सारे कानून बने, बायोपायरेसी, बायो रिमीडियल थेरेपी, बहुत सारी कानून भी बनी है, बहुत सारे क्या कहते हैं उसे प्रोटोकॉल्स भी सामने आए हैं इसको लेके। बिकॉज ये जितनी ही इंटरेस्टिंग लगती है उतनी ही हजार्डस भी हो सकती है। अगर थोड़े से भी एक्सपेरिमेंट में इधर उधर हुआ तो अगर आपका जीनोम बदल दिया गया, इसका मतलब इंटरनल मॉर्फोलॉजी छोड़िए, आपकी कैरेक्टरिस्टिक जो फिनोकॉपी है, सारे बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चरल चेंजेस इतना उलट फुलट हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि व्हाट कैन बी द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसको बहुत ही संजीदे मामले के साथ देखा जाता है और इसको रूल कोई एक कंट्री नहीं करता, एंटायर जो हमारी ग्लोब है उसके सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर उसके ऊपर एक फैसला लेते हैं। यहां तक सारी बातें क्लियर है। कमिंग डाउन फॉरवर्ड, ट्रांसजेनिक प्लांट्स की मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल ब्रासिका की अगर मैं बात करूं तो यह प्लांट हिरुडिन प्रोड्यूस करती है। हेपरिन इज अ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट एंड हिरुडिन आपको पता है ना, ये जोंक में, लीच में पाई जाती है। ये ब्लड को क्या करता है, हमेशा लिक्विड के रूप में बनाए रखता है। हिरुडिन इज प्रेजेंट इन लीच और ये प्लांट ब्रासिका ये बना रही है। हिरुडिन इज अ प्रोटीन दैट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग, ये रक्त को थक्का नहीं बनने देती, लिक्विड स्टेट में रखता है। The gene encoding hirudin was chemically synthesized और ब्रासिका से ही हिरुडिन को सिंथेसाइज करने वाले जीन को क्या किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया। दिस जीन वॉज देन ट्रांसफर्ड इन टू ब्रासिका नैपस वेर हिरुडिन accumulates इन सीड्स, और यही जीन को फिर accumulate करके ब्रासिका, यानी ब्रासिका किसका साइंटिफिक नेम है याद नहीं आ रहा तो मैं बता दू, cauliflower, cabbage, ये जो गोभी की गोभी का जो परिवार है ना, दैट इज कॉल्ड ब्रासिका। तो ब्रासिका परिवार में इसी हिरुडिन प्रोटीन को इसके अंदर सिंथेसाइज करा, इनकॉर्पोरेट करा दिया गया, जिससे हुआ क्या, वो प्रोटीन जाके सीड्स में अक्यूमुलेट होने लगी। द हिरुडिन इज प्यूरिफाइड एंड यूज्ड एज अ मेडिसिन, और उसी हिरुडिन को फिर हम प्यूरिफाई करके और यूज करते हैं, क्योंकि हिरुडिन अगर पूरे प्लांट बॉडी में रहती तो फिर हम इनकॉर्पोरेट कर कैसे पाते, वो हिरुडिन जो लीच में पाई जाती है। तो हमारे लिए एक ही ऑर्गेनिज्म था, सिंथेटिकली बनाने के लिए हमारे पास एक ही ऑर्गेनिज्म था, तो दुनिया भर के जोंकों को पकड़ के आप कब तक खींचते रहोगे। तो अल्टरनेटिव इंसान को सोचना ही था, अल्टरनेटिव मिला क्या, अल्टरनेटिव मिला ब्रासिका, गोभी के अंदर हिरुडिन निकल रहा है, लेकिन वो हिरुडिन पूरे बॉडी में फैला हुआ है। तो हमने क्या किया, उस डिजायर्ड प्रोटीन को एनकोड करा के उसके अंदर जो जीन है उसको हमने निकाला और उसको मैप किया अपने हिसाब से, कि अब अगर वो प्लांट बॉडी में फिर से डाल दे ब्रासिका में, तो पूरे प्लांट बॉडी में ना फैल के वो सारा हिरुडिन एक्यूमुलेट होके बीज में चला जाए, और अगर बीज में चला आएगा तो फिर बीज में से अब हम उसको एक्सट्रैक्ट करके इंसानी यूज के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। बोलो चमका नहीं चमका, अगर हाँ तो कमेंट चलता हुआ मुझे दिखना चाहिए यार, इतना बढ़िया टॉपिक और एकदम इतनी कम आबादी, व्हाट इज द मैटर। डू लाइक एंड शेयर द सेशन, एवरी डे आई एम कमिंग अप विद समथिंग न्यू, ताकि आप लोग को आनंद आए, मजा आए, और एकदम मतलब ऊर्जा बहुत ही कम दिख रही है आप सब में। हाउ इज द जोश गाइज, हाई होना चाहिए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। दिस इज अबाउट ब्रासिका। ब्रासिका के बाद मैं बात करूंगा उस टमाटर की, फ्लेवर सेवर टोमेटो। आपने टोमेटो प्लांट के बारे में भी सुना होगा, नीचे टोमेटो, नीचे पोटैटो, ऊपर टोमेटो, उस पेड़ का नाम है पोमेटो। डैफोडिल क्या है सर, बेटा डैफोडिल फूल का नाम है, अभी बताऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेंगी। देखिए यहां पे फ्लावर सेवर, इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो, पीछे उसका तस्वीर आपको दिख भी रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो का। इट प्रेजेंट्स एन एग्जांपल वेयर एक्सप्रेशन ऑफ अ नेटिव टोमेटो, मतलब ओरिजिनली जो टोमेटो एक्सप्रेस करती थी हैज बीन ब्लॉक्ड, उस एक्सप्रेशन को क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। टमाटर में क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ नेटिव जीन कैन बी स्टॉप्ड बाय मेनी डिफरेंट मेथड्स। अब ओरिजिनली टोमेटो में जो भी एक्सप्रेशंस होते थे प्राकृतिक तरीके से, उसको कई तरीके से ब्लॉक किया जा सकता है। फ्रूट सॉफ्टनिंग इज प्रोमोटेड बाय द एंजाइम पॉलीगैलेक्टो न्यूरेज।
अब टमाटर कुछ दिन बाद नरम होने लगती हैं, आपको पता होगा घर में मम्मी वगैरह यही सिखाते हैं कि जाना तो टमाटर देख के लेना और सख्त हो वही लेना, जो नरम है वो मत लेना, क्योंकि नरम होने का मतलब वो खराब हो रहा है, अंदर की टिश्यूज नेक्रोस कर रही हैं। तो जो टमाटर में या कोई भी फल में जो वो नरमाहट सी आने लगती है, दैट इज प्रोमोटेड बाई एन एंजाइम जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टोन्यूरेज विच डिग्रेड्स पेक्टिन। अब आपको पता है कि पौधों के अंदर सेल्यूलोज, पेक्टोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स, पेक्टिन्स ये सब मौजूद है, तो ये पेक्टिन को क्या करने लगती है, बर्बाद करने लगती है। तो अगर हम पॉलीगैलेक्टोन्यूरेज को ब्लॉक कर दे जिसकी वजह से फ्रूट सॉफ्ट हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फल की जो शेल लाइफ है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, उसके क्वालिटी में भी कुछ इंड्योरेंस हम कर सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीगैलेक्टोन्यूरेज वॉज ब्लॉक्ड बाई यूजिंग आरएनए इन फ्लेवर सेवर। फ्लेवर सेवर इज द वैरायटी ऑफ टोमेटो विच वॉज प्रोड्यूस जेनेटिकली, देयरफॉर लेट राइपनिंग इज फाउंड। इसीलिए वैसे टमाटर में बहुत देरी से वो ये उनकी नेक्रोसिस देखी जाती है। In addition, the fruits have a superior taste, और साथ ही साथ इसमें टेस्ट को भी एनहांस कर दिया गया, वैसे जीन्स को एनकोड किया गया था जिससे उसका टेस्ट भी बढ़ जाए, वो उसकी शेल लाइफ भी ज्यादा दिन के लिए बढ़ सके, एंड इंक्रीज टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स। और साथ ही साथ अगर टमाटर ज्यादा घुल जाए तो अंदर फिर खाने का मजा ही क्या है, टमाटर में तो अक्सर देखे होगा थोड़ा सा पानी और बाकी उसके मेन जो फ्लेशी जो मेसोडर्म है उसी को सब खाते हैं। तो टमाटर के अंदर सॉलिड क्वांटिटी ज्यादा बना रहे, ये तभी होगा जब हम पॉलीगैलेक्टोन्यूरेज के चैनल्स को ब्लॉक कर दें इन दैट टोमेटो, एंड दैट इज डन जेनेटिकली, एंड दिस इज हाउ फ्लेवर सेवर टोमेटो इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन कंटेंट। और टीचिंग सर इतना अच्छा है कि कमेंट्स नहीं कर पाते, सुनते रह जाते हैं। अच्छा क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया वाला कमेंट था, कोई बात नहीं, लेकिन इतना भी नहीं है, थोड़ा सा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं इतना भी नहीं कह रहा हूं कि कुछ ज्यादा लिखो। हाँ सर समझ आ रहा, या फिर थम्स अप, या फिर जो हार्ट्स, या फिर फायर, ये एक एक बार अगर तुम ये कमेंट बॉक्स चलता रहेगा ना तो मुझे ऊर्जा मिलता है। यस पीपल आर लिसनिंग, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। सर बैन भी कर दिए ना, बट शायद अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसको बैन किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो लेटेस्ट रिसर्च में आई है। कॉर्न बोरर्स जो कॉर्न है आजकल जानते ही हो, मेट्रोज में जाते हुए लोग स्टीम कॉर्न खाते हैं, मसाला कॉर्न खाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, मतलब कॉर्न का बहुत ज्यादा यूज है, जस्ट बिकॉज उसके अंदर जो प्रोटीन्स है वो आपके ब्यूटी को एनहांस करता है। जो कॉर्न के ऊपर जो कॉर्न सिल्क होती है ना, वो कॉर्न सिल्क जवानी बढ़ाती है, ठीक है ना, इनफैक्ट आपकी एंड्योरेंस बढ़ाती है, आपके अंदर की स्पीड, आपकी प्रसिजन को बढ़ाती है। इसीलिए कॉर्न सिल्क का इस्तेमाल ज्यादातर एथलीट्स और ब्यूटिशियंस कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा होती है। अमरजीत सिंह जी नमस्कार, नमस्कार ज्योति, रिंकी, रॉयल जाट नमस्कार जी। गोल्डन राइस के बारे में देखते हैं, गोल्डन राइस आपको यहां दिख रहा है, नॉर्मल राइस आप ये देख रहे हो यहां पे जो खाते हो आप, और ये रहा गोल्डन राइस, ठीक है ना। इट इज रिच इन विटामिन ए, विटामिन ए में रिच रहता है। एटलीस्ट थ्री जीन्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दिस प्लांट। इस प्लांट के अंदर तीन जीन को डाला गया है, कौन कौन से, दो जीन डाला गया है फ्रॉम डैफोडिल विच इज अ फ्लावर जिसका साइंटिफिक नेम है नार्सिसस, स्यूडो नार्सिसस, एंड वन जीन फ्रॉम अ बैक्टीरियम जिसका नाम है एर्विनिया यूरिडोवोरा। पीटी कॉटन एंड थुरिंजियंसिस जो एक बैक्टीरिया है फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। जब ये पैदा हो रही होती हैं उसी समय ये बीटी कॉटन और बीटी थुरिंजियंसिस जो कि इसके अंदर डाला गया है डिजायर्ड करके, वो क्या कर देती है, एक क्रिस्टल प्रोटीन इनके अंदर बनाना स्टार्ट कर देती है। ये क्रिस्टल्स कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। तो जब राइस का पौधा बन रहा होता है उसी के अंदर ये क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन कर देती है जिसके अंदर एक जहर होता है जो कीटों को, इंसेक्ट्स यानी कीड़ों को क्या कर दे, मार दे। अब जैसे ही ये कीड़ा इस राइस को खाता है या राइस प्लांट के किसी भी बॉडी को खाने की कोशिश करता है, तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ड्यूरिंग द फेज ऑफ ग्रोथ प्लांट बॉडी में इनएक्टिव स्टेट में रहती है, लेकिन जैसे ही इसी क्रिस्टल्स को इंसेक्ट खाएगा तो वो इनएक्टिव उसके बॉडी के गट में जाके, गट मतलब इंटेस्टाइन, तो उस कीड़े के गट में जाके उस कीड़े के अंदर जो टिश्यू फ्लूइड है, उस कीड़े के शरीर के अंदर का जो उत्तक द्रव्य है वो अल्कलाइन पीएच का होता है। जैसे ही अल्कलाइन एनवायरमेंट मिलेगा इस इनएक्टिव क्रिस्टल को, वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही एक्टिव होगा तो वो जो उसकी आते हैं, जो उसकी आते हैं, किसकी आते हैं, कीड़ों की आते हैं, उसके अंदर छेद करना स्टार्ट कर देंगे। इट विल स्टार्ट मेकिंग पोर्स। जैसे ही कीड़ा बेचारा खाया, वो तो बेचारा खाना खाने जा रहा था, चावल के पौधों को खा रहा था, दिक्कत क्या थी, लेकिन हमने क्या किया, अपने जिंदा रहने के लिए एक ऐसा जहर भर दिया
अपना डिजायर्ड जहर बना के उस पौधे में डाल दिया जिससे पौधा भी खराब ना हो, लेकिन पौधे को वो कीड़े खाएं तो वो कीड़े में जाके उसके पेट के पीएच को देखते हुए वो एसिडिक हो जाए और एक्टिव हो जाए, एक्टिव होते ही उसके आंतों में वो छेद करना स्टार्ट कर दे एंड अल्टीमेटली सेल लाइसिस यानी सेल डेथ की वजह से उस कीड़े की मौत हो जाती है। तो इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई राक्षस है तो वो हम है, इंसान है, ठीक है ना। क्लियर है ये बात? गोल्डन राइस कैसे हमने बनाया है, कैसे विटामिन ए को इंड्यूस करा है, कैसे कीड़ों को हम मार रहे हैं, ये आप सबको क्लियर है? हाँ या ना, चमका कि नहीं चमका? द एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ मिडगट, मिडगट मतलब उनके इंटेस्टाइन का, एंड सीक्रेट पोर्स दैट कॉजेस सेल लाइसिस एंड इवेंचुअली कॉजेस डेथ ऑफ द इंसेक्ट। बीटी इज नॉट हार्मफुल टू ह्यूमंस। और उसी को जब आप इंसान खाते हैं, हम इंसान जब उसी चावल को खाते हैं तो हमारे लिए वो हानिकारक नहीं है, ऐसा जीन ही हमने बना के डाला है कि इंसान खाए तो इंसान को कुछ ना हो लेकिन अगर कीड़े खाए तो कीड़े मर जाएं। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वेर ऑसिलेटेड फ्रॉम बैसिलस थुरिंजियंसिस एंड इनकॉर्पोरेटेड इन सेवरल क्रॉप प्लांट्स सच एज कॉटन, कपास में भी डाला गया है, चावल में भी डाला गया है, काफी सारे ऐसे क्रॉप प्लांट्स हैं जिनमें इसको डाल के हम अपने जिंदगी को एनहांस कर रहे हैं। द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। अब अक्सर आपने देखा होगा कि मस्टर्ड के पौधे पे अलग तरीके के कीड़े लग रहे हैं, चावल के पौधे पे अलग तरीके के कीड़े लग रहे हैं, गेहूं के पौधे पे अलग तरीके के कीड़े लग रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर इंसेक्ट स्पेसिफिक। तो अगर प्लांट इंसेक्ट स्पेसिफिक है कि मतलब कुछ खास तरीके के कीड़े आके उन्हें खा रहे हैं, तो कुछ खास तरीके के डिजायर्ड जीन्स बना के कि कौन सा इंसेक्ट आके कौन से पौधे को आके आक्रमण कर रहा है उसके हिसाब से हम जीन्स बनाते हैं और फिर उस प्लांट में डालते हैं ताकि हम वैसे ही रिजल्ट्स डिजायर कर सके जैसे हमें चाहिए। सर मुझे आपसे DSSBC TGT नेचुरल साइंस पढ़ना है। अमित तो पढ़ो ना यार, काफी सारे बैचेस हैं। मेरे से अगर पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है ऐसे तो मैं लाइव यहाँ पे एक घंटे के लिए आता हूँ, वैसे 5-6 घंटे रोजाना मैं ऐसे पेड क्लासेस में पढ़ाता हूँ। टीचिंग का महापैक, टीचिंग के महापैक में DSSSBC हो, RPSC हो, UPTGT हो, रीट एग्जामिनेशन हो, KVS हो, NVS हो, HTET हो, सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा। टीचिंग अगर डिपार्टमेंट में, अगर इस डोमेन में आपने, इस फ्रेटर्निटी में अगर आपने कदम डाल लिया है तो एग्जाम कोई भी हो पूछा साइंस जाएगा। और साइंस की तैयारी TGT से लेकर PGT लेवल तक मैं कराता हूं, केमिस्ट्री और बायो की। पुरानी एक फिजिक्स की भी क्लास बैच अभी है जो चल रही है जिसको मैं पढ़ा रहा हूं, तो वो बैच आप फिजिक्स के लिए भी ले सकते हैं, बाकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री की तो जिम्मेदारी हमारी। बैच लिया है तो पढ़ो आराम से अमित, सुबह 7 बजे PGT की क्लास है उसे अटेंड किया करो, 10 बजे 11 बजे केमिस्ट्री की क्लास है PGT की, 12 बजे भी बायो की PGT की है, 3 बजे TGT की है, अटेंड किया करिए, कभी दिक्कत नहीं आएगा। 2 साल पहला पैक ले लिया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आगे चलते हैं, ठीक है। बाकी सारे लोग, आयुषी, ज्योति, रिंकी, बाकी जितने भी लोग हैं मेरे स्टूडेंट्स, मैं अभी आधे लोगों का तो नाम याद हो गया तो मैं कुछ कुछ बोल रहा हूं, मजा आ रहा है ना। कांटेक्ट कैसे करना यार, क्लास में आओ तो कांटेक्ट हो जाएगा पेड बैच में, ऐसे क्या ही कांटेक्ट, ऐसा थोड़ी है कि तुमसे मिलने आए किसी हवेली पर। चलो पढ़ाई करते हैं, मजे में रहते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ जीन्स दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, फॉर एग्जांपल द प्रोटीन्स एनकोडेड बाय द जीन्स CRY1AC एंड CRY2AB कंट्रोल्स द कॉटन बॉलवर्म्स, जो कपास के पेड़ों में, कपास के पेड़ में ये बॉलवर्म्स होते हैं वो कपास को बर्बाद कर देते हैं, तो उनके लिए ये डिजायर्ड जीन्स CRY1AC और CRY2AB बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। एंड CRY1AB कंट्रोल्स कॉर्न बोरर एज वेल, जो मक्के के दाने को बर्बाद कर देते हैं उसके लिए ये जीन बनाया गया है, जिससे हम उसको इनकॉर्पोरेट करके उस मक्के को भी बचा लेते हैं और खुद को भी और उस कीड़े को मार देते हैं। पूरा चमकाना, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। Although BT genes have been introduced into tobacco, अब देखो तो BT gene एक तरफ हमने rice में इस्तेमाल किया, एक तरफ हमने cotton में इस्तेमाल किया, इसी Bacillus thuringiensis gene को on the basis of our desired needs, we have incorporated them into tobacco, cotton, even tobacco, देखो तंबाकू में भी किया गया, and other broadleaf plants जिसके चौड़े पत्ते हैं, एंड इवन इन ग्रीन ट्रांसफर, ग्रीन कह रहे हैं जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, कहीं भी अगर हमें डिजायर्ड जीन को किसी एक प्लांट में या किसी एक एनिमल में अगर हमें डालना है तो अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स की नीड के आधार पे हम उस जीन को मॉडिफाइड करते हैं और फिर उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, सो दैट द डिजायर्ड कैरेक्टर्स आर अवेलेबल टू अस। ये तो हो गई पौधे की बात, अब आते हैं जानवरों की तरफ। मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस सो फार आर माइस, दैट एनिमल दैट पायनियर्ड द टेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी में पौधों के ऊपर तो रिसर्चेस हुई, काफी सारा सफलता भी मिला, लेकिन जैसे ही ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमने बनाना स्टार्ट किया तो उसमें सबसे पहली सफलता जो हमें मिली थी वो इस माइस
यानी चूहों से मिली थी। मैं आपको दिखाता हूं बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजिकली डिजाइंड माइस, देखना चाहोगे? अमरजीत सिंह आलोक सर, आप पीसीएस के लिए साइंस की कोई क्लास लेते हो क्या? अब हम कान पकड़ के सर पकड़ के बैठ जाएंगे। देखो मैं यूपीएससी भी पढ़ाता हूँ, साइंस एंड टेक भी पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है इसलिए पढ़ाता था वाला सीन हो गया है। मैं एमबीबीएस एस्पिरेंट्स को भी पढ़ाता हूँ लेकिन टाइम नहीं है इसलिए रात को अब 8 बजे के बाद उन्हें टाइम दे रहा हूँ। कुछ बच्चे यहाँ बैठे भी होंगे कि सर यहाँ से क्लास छोड़ें और वहां पढ़ाएं, तो पढ़ा देंगे हम, लेकिन बच्चे वक्त नहीं है मेरे पास। अब बिल्कुल थोड़ी सी फुर्सत होती है इन बच्चों को पढ़ा के एक आधे महीने में, तो नेट लाइफ साइंसेज की मैं स्टार्ट करूंगा टीचिंग पे ही, और उस समय आपके साइंस एंड टेक के भी कुछ क्लासेस मैं यूपीएससी में ले लूंगा, तो वहां आप कर लेना अच्छे से, ठीक है? वरना तो हम खत्म हो लेंगे इस दुनिया से। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में सबसे पहले माइस, आप देखना चाहोगे? चलो मैं दिखाता हूं। ये देखो मस्त है ना, ट्रांसजेनिक माइस, कैसा लगा आपको? बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा सा, है ना? तो ट्रांसजेनिक माइस, वैसे ही ट्रांसजेनिक पिग्स भी बनाया है हमने, ट्रांसजेनिक मंकीज भी बनाया है, बीच में क्लोनिंग करके इंसान को भी बनाने का स्टार्ट किया था। लेकिन हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? द स्माइल यू कैन सी ऑन माई फेस व्हेन आई टीच साइंस, दैट इज द ओनली मेडिसिन आई हैव टू टीच साइंस। मुझे मजा आता है, आई हैव इंटरेस्ट। अगर किसी चीज में इंटरेस्ट आ गया ना तो आप करते हो, तब टाइम थोड़ी देखते हो। अगर मैं कहूं कि चलो घूमने चलते हैं तो आप थोड़ी टाइम देखते हो यार कि इतने देरी घूमेंगे फिर चले आएंगे, नहीं। तो जिस चीज में हमें मजा आता है उसमें टाइम नहीं देखते। तो मैं जब पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं साइंस तो मैं टाइम नहीं देखता, इसलिए मजा आता है, दैट्स इट। हाँ, लेकिन इसके कभी नेगेटिव साइड्स भी है, तबियत सेहत वगैरह खराब हो जाती है। बहरहाल ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे आते हैं। द फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक एनिमल वॉज अ माउस, सबसे पहला एक चूहा था। अ फ्यू ईयर लेटर इट वॉज फॉलोड बाई रैबिट्स, फिर हमने जंगली चूहों के ऊपर भी किया, पिग्स के ऊपर भी किया, भेड़ के ऊपर भी किया, और कैटल्स के ऊपर भी करना स्टार्ट कर दिया, और लगभग मेनी ऑफ द केसेस में हमें सक्सेस हासिल भी हुई। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना आसान बोलने समझाने में लग रहा है और जितना मजा आपको आ रहा है उतना आसान है नहीं इन रियलिटी। कई हजार डोजेस देने के बाद अल्टीमेटली किसी एक पे सक्सेस हासिल होती है, ठीक है? स्टेट पीसीएस, बेटा स्टेट पीसीएस वगैरह भी पढ़ाया था, आपकी यूपीपीएससी वगैरह की क्लासेस मैंने काफी ली हैं, यूपीएससी की भी क्लासेस ली हैं। स्टेट पीसीएस जो है वो यूपीपीएससी आपकी उत्तर प्रदेश वाली, उसको भी लास्ट ईयर पढ़ाया था, ईपीएफओ को पढ़ाया हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल मैं एकदम ब्लॉक्ड हूं। अभी फिलहाल आपकी जो कंटेंट है वो आपको यहां से मिल जाएगी। अगर आपको मेरे से इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको मेरे बैच के बैच से मिल जाएगा, जहां जो भी आप पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, अड्डा पे आप किसी भी बैच को परचेज कर लो जहां मैं साइंस पढ़ा रहा हूं, वो आपको बेनिफिट करने वाली है, आई कैन इंश्योर दैट। दूसरा देखिए, टू डेट मतलब आज के दिनों की अगर मैं बात करूं तो देर आर थ्री बेसिक मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स। पहला बाय डीएनए माइक्रो इंजेक्शन मेथड। डीएनए माइक्रो इंजेक्शन मेथड इज द मेथड बाय विच द डिजायर्ड डीएनए इज टेकन आउट फ्रॉम द डिजायर्ड एनिमल और प्लांट और बैक्टीरियल और फंगल स्पीशीज एंड देन इट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट। That is called the DNA micro injection method. लेकिन इसमें success rate है, लेकिन patience rate बहुत ज्यादा है, है ना? बहुत ज्यादा patience लेना पड़ता है। अमित, अब वो कौन सी वीडियो के बारे में बात कर रहा है मुझे देखना पड़ेगा, है ना? बैच वाइज बताओगे तो समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, रेट्रोवायरस मीडिएटेड जीन थेरेपी। कल आप 7 बजे वाले एक बैच में मिलो मुझसे अमित, आपके सारे जो डाउट्स है ना उसको क्लियर कर दिया जाएगा। दूसरा तरीका है रेट्रोवायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, मतलब आरएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। आरएनए की मदद से हम उसे ट्रांसफर करा पाए, क्यों? डीएनए एंड आरएनए आर द न्यूक्लिक एसिड्स, और न्यूक्लिक एसिड हमारे बॉडी में लगभग हर जगह है, तो किसी एक जगह उस आरएनए को अगर हम इनकॉर्पोरेट करके डाल दिए तो ऑटोमेटिकली बॉडी के जहां 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 उसको डिजायर्ड कैरेक्टर्स को इनकॉर्पोरेट कराना था वो करा देगा। तो दूसरा तरीका ये। तीसरा, एम्ब्रायनिक स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। स्टेम सेल का मतलब होता है वो पहला वो सेल जिससे और सारे ऑर्गन्स टिश्यूज न्यूली डेवलप करेंगे, और बॉडी में हर जगह उसका एक कॉमन रोल होता है। तो अगर एम्ब्रायनिक स्टेम सेल में हम डिजायर्ड जीन को इनकॉर्पोरेट करते तो ओवरऑल पूरे ऑर्गेनिज्म में हमारी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिलने लगेगी। इन तीन तरीकों से आज के दिन हम जेनेटिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड या ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाते हैं। बोलो चमका रहेगा, हाँ या ना? एक बार कमेंट बॉक्स फिर से रुक गया, चमका या नहीं चमका, यस और नो?
अब देखिए, जो मैंने बताया था कि जीन ट्रांसफर बाय माइक्रो इंजेक्शन, इसमें पेशेंस रेट बहुत है, सक्सेस रेट ठीक है, बाय माइक्रो इंजेक्शन इज द प्रेडोमिनेंट मेथड, मतलब बहुत पहले से चली आ रही है, यूज्ड टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स, मतलब कैटल, शीप, पिग्स, इनकी बात हो रही है। सिंस द इंसर्शन ऑफ डीएनए रिजल्ट्स इन अ रैंडम प्रोसेस, मतलब बार बार करना पड़ता है ताकि जो हमारी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमको चाहिए थी वो मिल रही है कि नहीं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेटेड टू इंश्योर दैट ऑफस्प्रिंग अक्वायर द डिजायर्ड ट्रांसजीन। ऑब्वियसली बात है कि समझ लो, भगवान न करे मैं एक अगर गिनी पिग हूं, भगवान न करे पहले ही कह दिया है ना, तो अगर मैं गिनी पिग हूं, मेरे अंदर एक डिजायर्ड जीन को डाल दिया, तो अब मेरे, मैं अगर एक मेल गिनी पिग हूं, तो मेरे से अगर फिर अब किसी और एक गिनी पिग के साथ जब तक मैं ये मेटिंग नहीं करता, तो मेरे अंदर जिस जीन को डाल के मेरे अंदर बदलाव लाई गई है वो अगले जनरेशन में दिखने के लिए मुझे मेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा। तो पहले उसके अगले जनरेशन में क्या आने वाली है कैरेक्टर्स, उसको देखने के लिए पेरेंटल जनरेशन में हम डिजायर्ड जीन को इनकॉर्पोरेट करते हैं, और फिर मेटिंग करा के जो क्रॉस आएगा उस क्रॉस में अब डिजायरेबल चेंजेस क्या है इसको हम नोटिस करते हैं। दिस इज वॉट वी आर डूइंग विथ एनिमल्स। और हम कहते हैं कि इंसान से अच्छा कौन है, इंसान में देवता बसते हैं, देखो जान ले लेके पता नहीं क्या किया, लेकिन हाँ अपने सर्वाइवल के लिए दूसरों को तो मारना पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये लाइफ की थ्योरी है गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, ठीक है ना। आगे देखिए, हाउएवर द सक्सेस रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स इंडिविजुअली बाय दीज मेथड्स इज वेरी लो, चाहे डीएनए माइक्रो इंजेक्शन की मेथड ले लो, आरएनए मीडिएटेड ले लो, या स्टेम सेल इनकॉर्पोरेशन थेरेपी ले लो, तीनों में ही जो सक्सेस रेट है इट इज वेरी लो, बट इट इज मोर एफिशिएंट टू यूज क्लोनिंग टेक्निक्स टू इंक्रीज देयर नंबर्स। अगर आपको कम समय में ज्यादा पैदावार चाहिए तो क्लोनिंग इज द बेस्ट मेथड, अदरवाइज डीएनए माइक्रो इंजेक्शन मेथड, सेल मीडिएटेड ट्रांसफर, स्टेम सेल मीडिएटेड ट्रांसफर, और जो आपकी मीडिएटेड ट्रांसफर थी, तीनों टेक्निक, इसमें थोड़ी सी मेहनत और वक्त ज्यादा लगता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जीन ट्रांसफर स्टडीज रिवील्ड दैट ओनली 0.6% ऑफ ट्रांसजेनिक पिग्स, जितने भी हमने ट्रांसजेनिक पिग्स बनाए उनको बनाने के लिए डिजायर्ड जीन को करीबन 7000 बार इंजेक्ट किया गया, तब जाके वो स्पेसिफिक ट्रांसजीन उस पिग के अंदर निर्मित हुई। तो बड़ी ही आराम आराम से, बड़े आराम आराम से रोज उस बात, अगर आप समझ लो एक लैबोरेटरी में तुम हो, प्रयोगशाला में तुम्हें रखा हुआ है, यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, तो आपको एक सैंपल दे दिया गया, तो रोज उस सैंपल में सोचो वो रिसर्चर या साइंटिस्ट कुछ ना कुछ डिजायर्ड जीन डाल के उसके अंदर ऑब्जर्वेबल जीनोमिक या फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करता है। एक गिनी पिग में अपने हिसाब से कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कराने के लिए करीबन 7000 डोजेस लगे, तब जाके आपके हिसाब का कैरेक्टर्स उसमें दिखने लगा। तो इसीलिए इसमें सक्सेस रेट कम है, क्योंकि इंसान थक भी जाता है, अरे नहीं हो रहा है, नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बॉडी कभी भी रिप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। हाउ डू ट्रांसजेनिक एनिमल्स कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन वेलफेयर, अभी तक तो हमने बात किया कि बायोटेक्नोलॉजी का कहां कहां योगदान है, लेकिन अगर मैं इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करूं तो इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का योगदान इंसानों के लिए कहां है, तो तीन क्षेत्रों में, एक है एग्रीकल्चर, एक है मेडिसिन, एक है इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देखते हैं कहां, सबसे पहले ब्रीडिंग, farmers always use selective breeding to produce animals that exhibit desired traits. Example, increased milk production, high growth rate. हम हमेशा क्या करते हैं, अगर हमें दूध की क्वालिटी अच्छी चाहिए तो चलो भाई हरियाणवी साहिवाल लेके आएंगे, थार पाकर उधर कर्नाटका का लेके आएंगे, या फिर अंग्रेजी इंग्लिश जर्सी काउ लेके आएंगे, क्योंकि उसकी मिल्क यील्डिंग जो वराइटी होती है वो अच्छी है। लेकिन अब विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम एंड लाइफ, समय और जीवन को साथ में बढ़ते देखते हुए, इंसान ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए, अब हायर वैरायटीज ऑफ काउ को सिर्फ नहीं खरीदता, बल्कि एक हायर वैरायटी को एक लो वैरायटी के साथ मेट करके अपने डिजायर्ड कैरेक्टर वाले वैरायटी को प्रोड्यूस कर देता है। इससे फायदा क्या है, जब इस टेक्नोलॉजी को इस समय इस्तेमाल किया तो उसकी देखता है कि उसका पैदावार भी बढ़ा, और उसके और भी, जैसे अगर आप मिल्क के बेसिस पे अगर आप गायों को अगर सब डिवाइड करें, तो एक होते हैं जो हाई क्वालिटी दूध देते हैं, एक होते हैं जो सिर्फ काम करते हैं, और एक होते हैं जो दूध भी देते हैं और काम भी करते हैं। इन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके एक सिर्फ अच्छे क्वालिटी वाले गाय को दूध, जो सिर्फ एक अच्छे क्वालिटी की दूध देती थी गाय, अब उसको सिर्फ अच्छे क्वालिटी की दूध देने वाली ही गाय नहीं बनाया गया, बस साथ ही साथ उसके अंदर वर्किंग कैपेबिलिटी को भी एनहांस किया गया। इंसान अब ये कर रहा है,
अंडरस्टैंडिंग और नॉट, मतलब पहले नेचुरली कैटेगराइज था, जैसे बी फैमिली में देखो क्वीन बी का काम क्या था, सिर्फ ड्रोन्स और वर्कर बीज पैदा करेगी, रॉयल जली के ऊपर फीड करेगी, ड्रोन्स का काम यह था कि वो क्वीन के साथ मेट करेगी और मर जाएगा, और वर्कर का काम था सिर्फ काम करना और बीहाइव बनाना, बी वैक्स का फॉर्मेशन करना। आगे आने वाले दिनों में जो कि हमें हनी से बेनिफिशियल वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल रही है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि एक समय ऐसा भी आएगा कि हनी बीज के ऊपर भी अगर हम सक्सेसफुल हुए तो कल के दिन में इसकी भी वैरायटीज, हम ट्रांसजेनिक वैरायटीज प्रोड्यूस कर देंगे। तो आने वाले दिनों में काफी ऐसी नई नई चीजें आपको देखने को मिलेगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है। आज इंसान के लिए जो प्रॉब्लम बनती है उसी प्रॉब्लम से इंसान सोल्यूशन निकाल रहा है इसी बायोटेक्नोलॉजी के मदद से। पेट्रोलियम आज के दिन में हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ईंधन, उसी ईंधन को अब प्लांट में प्रोड्यूस करा के उस पेट्रोलियम को वो निर्मित कर रहा है जिसे हम कहते हैं पेट्रोलियम प्लांट्स। जी हाँ, वो बनाई जा रही हैं, बन चुकी हैं, बस उसके रैपिड पेस पे बनाने की प्रक्रिया और उसकी रिसर्चेस चल रही हैं। तो एक हो गया ब्रीडिंग टेक्निक, दूसरा क्वालिटी को एनहांस करना। क्वालिटी के एनहांस ऑब्वियस ही बात है, अगर दूध है, दूध में अच्छा फैट कंटेंट है तो दूध की क्वालिटी बढ़ जाती है। कोई अगर आप जैसे गोट वोट या शीप वगैरह खा रहे हो, नॉन वेजिटेरियन हो, तो उसकी क्वालिटी में एनहांस करना, उसके अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डिजीज रेजिस्टेंट, साइंटिस्ट आर अटेम्प्टिंग टू प्रोड्यूस डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल्स सच एज इन्फ्लुएंजा रेजिस्टेंट पिग्स, बट अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ जीन्स आर करेंटली नोन टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंट टू डिजीज इन फार्म एनिमल्स। आज अभी हाल फिलहाल में आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा जिससे गाय भैंस के शरीर पे बहुत सारे ऐसे नोड्स, गांठ बन जा रहे हैं और वो पक पक जा रहे हैं और उसके वजह से कई गाय मरे हैं और अभी मर भी रहे हैं। एल से नाम है, मुझे अभी उस डिजीज का नाम याद नहीं आ रहा है, लैम्प्री या क्या कुछ ऐसी डिजीज है जिसके वजह से अभी काफी कैटल आहत हुए हैं। वजह यह है कि इंसानों को हमने तो काफी ज्यादा हद तक बचा लिया क्योंकि हम इंसान अपने बारे में ही सोचते हैं, बहुत स्वार्थी हैं। इन जानवरों की मदद लेके इंसान ने अपने जीवन को तो सुधार लिया, लेकिन आज भी हमने जानवरों को सुधारने के लिए, जानवरों को बीमारियों से बचाने के लिए उनके ऊपर काफी रिसर्चेस नहीं करी। हाँ, कुछ ऐसे करे हैं क्योंकि इनकी वजह से हमारी जिंदगी चलती थी। तो फार्म एनिमल्स के ऊपर, स्पेसिफिकली फार्म एनिमल्स के ऊपर हम कुछ ही ऐसे जीन्स बना पाए हैं जिससे हम उनकी जिंदगी को भी बचा सके क्योंकि उनसे हमको फायदा है। लेकिन आगे अभी इसके लंपी डिजीज, बिल्कुल लंपी वायरस, यस लंपी, मैंने मतलब सही बोला था। अब आगे जैसे जैसे इंसान समझ रहा है कि मेरे लिए क्या जरूरी है तो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, तो आगे आने वाले दुनिया में इंसान और ज्यादा स्वार्थी होगा, जिससे सिर्फ काम होगा बस उसी को बचाएगा, बाकी सबको मारेगा। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा? बायोडीजल बनाया जा रहा है, बिल्कुल, जट्रोफा, जट्रोफा, GATROPH, जट्रोफा प्लांट्स, बिल्कुल। मजा आ रहा है सेशन में, चलो आगे बढ़ते हैं। मेडिकल एप्लीकेशंस क्या है? जीनो ट्रांसप्लांटेशन, सेवरल पेशेंट्स डाई एवरी ईयर फॉर लैक ऑफ रिप्लेसमेंट हार्ट, लिवर और किडनी। ऑब्वियसली बात है, किसी का भी कुछ दिन पहले मैंने शायद पेड बैच में बताया भी था कि एक का फोन आया कि स्टूडेंट ही थी, उसके अचानक से भाई जो कि 16 साल का है, कोई नशा वशा कुछ नहीं, एंड ऑल ऑफ अ सडन उसकी जो लिवर की ये आई, रिपोर्ट आई डॉक्टर की, क्योंकि अचानक से खाना वाना बंद हो गया, उल्टियां उल्टियां होने लगी। जब उसको एडमिट कराया गया तो SMS हॉस्पिटल जयपुर ने ये क्लियरली आइडेंटिफाई कर दिया कि द लिवर इज ओनली वर्किंग 2%, 98% बेकार हो चुका है। अब 16 साल के एक लड़के का अचानक से लिवर का मैलफंक्शनिंग कर जाना, उसमें अब एक ही उपाय है, मम्मी पापा क्या सोचेगा कि जितना भी पैसा लग जाए बस उसे बचा लिया जाए। लेकिन लिवर का मिलना, किडनी का मिलना, हार्ट का मिलना इतना आसान नहीं है और इसीलिए लोग काफी मर जा रहे हैं। अब इस चीज को देखते हुए फिर साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि यार इंसान को तो बचाना होगा, भले और कोई मर जाए। तो इसने क्या करा है, अभी गिनीपिग्स के ऊपर अपने रिसर्चेस स्टार्ट रखा है और काफी हद तक हमने सक्सेस इसमें हासिल भी कर ली है। हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसी फंक्शन हमें चाहिए वैसी ही फंक्शन को पिग के बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर हम इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं कि जो फंक्शन हमें ह्यूमन बॉडी के अंदर चाहिए वही फंक्शन हम गिनीपिग के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, वही फंक्शन हम गिनीपिग के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, ताकि वो सारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स जो इंसान को चाहिए
वो गिनी पिग के ऑर्गन्स की मदद लेते हुए हम इंसानों में वैसा इनकॉर्पोरेट करा दें। लेकिन दिक्कत एक ही जगह आ रही है कि पिग एक ऐसा प्रोटीन बना ले रही है जिससे वो जीनोम खराब हो जा रहा है और वो ह्यूमन में अगर हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो ह्यूमन भी मर जा रहा है। जीनोग्राफ्टिंग उसे कहते हैं। जीनो का मतलब होता है ऑर्गन ग्राफ्टिंग। ऑर्गन जब किसी और ऑर्गेनिज्म का निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालो तो इतनी जल्दी मैचिंग नहीं होती। मैचिंग कराने के लिए आज हम इसी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत वही आ रही है जो पिग है वो जीनो प्लांट उसमें अक्सर डोनर की रिजेक्शन दिख रही है। वजह यह है कि पिग एक ऐसी प्रोटीन बना रही है जो कि ह्यूमंस के साथ एनकोड नहीं हो पा रही है। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोटीन को हटा के ह्यूमन प्रोटीन के साथ एनकोड कर दिया जाए ताकि जब वो ह्यूमन के बॉडी में आए तो वह अपना ही भाई समझे उसे और उस हिसाब से काम करने लगे। इसके ऊपर रिसर्चेस चल रही है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आज के दिन में जितने भी आपके ये मल्टीविटामिन्स हैं, मल्टी मिनरल्स हैं, ये जितने भी आजकल बन रहे हैं, रिवाइटल फेवाइटल जितने भी हैं, इतनी प्लांट सोर्सेज एनिमल सोर्सेज है कहाँ। बायोटेक्नोलॉजी और केमिकल्स के मदद से आर्टिफिशियल कई सारी चीजें ऐसी तैयार की जा रही हैं जिससे हम अपने बॉडी को फिजिकली मेंटली सोशली अपलिफ्ट कर रहे हैं। रिसर्च इज ऑल्सो अंडरवे टू मैन्युफैक्चर मिल्क थ्रू ट्रांसजेनिक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिलिबरेटिंग डिजीज जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया, हेरिडिटरी एम्फाइसिमा, मतलब जो बचपन से ही उसकी एल्वियोलीज है प्रॉपर फूल नहीं रही हैं, जो कि अक्सर एडल्ट्स में एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। लेकिन अगर हेरिडिटरी हो गया तो बच्चे को बचपन से ही एम्फाइसिमा है। वैसे लोगों को ट्रीटमेंट करने के लिए आज हम दूध के साथ भी बायो मेडिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आगे आने वाले दिनों में हम उस दूध पीने वाले बच्चे को भी उस दूध में ऐसा ही कुछ डलवा दें ताकि धीरे धीरे वो खुद ठीक हो जाए अपने एडोलेसेंस स्टेज को आते हुए। In 1997, the first transgenic cow, Rosie, produced human protein enriched milk, जिसमें 24 ग्राम प्रोटीन पर लीटर थी। पर लीटर में 24 ग्राम प्रोटीन मतलब बहुत अच्छी मात्रा है। The transgenic milk is more nutritionally balanced product, और ये पैदा होने वाले बच्चे को भी पिलाई जा सकती थी and could be given to babies or the elderly with special nutritional or digestive needs। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसकी प्रोटीन एनर्जी की जो न्यूट्रिशनल रेट है बॉडी में कम है, तो वैसे लोगों को एनहेंस्ड मिल्क देना पड़ता है। वैसे केसेस में जब आप वैसी बेबी को अगर कोई ऐसी डिजीज होती है या कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है तो बहुत सारी ऐसी दवाइयां चलती हैं। अगर आप लोगों के पास आपका बच्चा होगा तो काफी सारी दवाइयां, कभी कभी आपने देखा होगा कि पचनीरा, उल्टी कर रहा है, दर्द हो रहा है, तो वैसे केसेस में कई सारे हम ऐसे सप्लीमेंट्स चलाते हैं जो दूध की तरह दिखता है। तो आप लोगों को लगता होगा कि सारी दवाइयां ही हैं। बच्चों को हम जनरली दवाई देते ही नहीं। वी ओनली गिव देम द न्यूट्रिशनल नीड्स दैट अ बेबी रिक्वायर्ड टू मच्योर, टू हैव द सेल ग्रोथ, टू हैव द सेल डिफरेंशिएशन। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। सर धीरे 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 करते करते तो 8 बज गया और समय हो गया नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ाने का। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस। आजकल वैक्सीन सेफ्टी का भी जो कोवैक्सीन कोविशील्ड बनी है इसका बेस्ट एग्जांपल है। ट्रांसजेनिक माइस आर यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन को चेक करने के लिए सबसे पहले उसको माइस पे इस्तेमाल किया जाता है इसके पहले कि वो इंसानों पे इस्तेमाल किया जाए। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो 2001 में दो साइंटिस्ट एट नेक्सिया बायोटेक्नोलॉजीज इन कनाडा स्प्लाइज स्पाइडर जीन, स्पाइडर के अंदर का जीन निकाला। तो स्पाइडर का काम क्या है, जाले बनाना, और उस जीन को निकाल के बकरी के अंदर डाल दिया। सोचो इंसान ने कितना भयावह है इंसान, बकरी के अंदर स्पाइडर की जीन डाल दी। स्पाइडर बनाता है जाला, अब बकरी जब दूध दे रही है तो दूध के साथ थ्रेड्स निकल रहे हैं। थ्रेड्स, वो ऐसी स्पेसिफिक थ्रेड्स बना रही है जिस थ्रेड को यही रिसर्चर्स उस दूध में से निकाल के क्या बनाते हैं, सूचर, क्योंकि उस सूचर से हम इंसानी घावों को सिल पाए। सर्जरी जब हो रही है तो जो हम लोग सिलते हैं, जो हम सिलते हैं वो उन्हीं सूचर से सिलते हैं। जिन सूचर्स को कैसे बना रहे हैं हम, स्पाइडर के जीन को बकरी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। बकरी जो अब दूध दे रही है उस दूध में वो थ्रेड्स निकल रहे हैं, उन्हीं थ्रेड्स का इस्तेमाल करके हम सूचर्स बनाते हैं। आप देखो इसका एग्जांपल आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू रंग का थ्रेड दिख रहा है ना, ये सारे मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, मेडिकल माइक्रो सूचर्स, टेनिस रैकेट तक, अच्छे अच्छे क्वालिटी की जो टेनिस रैकेट्स होती है ना, ये सारी भी हम बना रहे हैं बकरियों के अंदर क्या क्या करके। देखो सर बीएड अप्लाइंग कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं बाबा। Toxicity, sensitive transgenic animals have been produced by chemical safety testing. Microorganisms have been engineered to produce a wide variety of proteins which in can turn produce enzymes and speed up their industrial chemical reactions. अब जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें आप यूज करते हैं बाजारू, जो बिना सोचे, बिना समझे, बिना पढ़े, बिना लिखे आप ढक्कन खोलते हो, डालते हो और खा लेते हो।
क्योंकि बस आपको इतना पता है कि अगर एक्सपायर्ड नहीं है तो सही है, लेकिन किस विधि से बनाया जा रहा है ये आपको समझना होगा। आजकल लोग ज्यादा मर क्यों रहे हैं, ज्यादा बीमारियों से ग्रसित क्यों हैं, क्योंकि कई जगह जिस बायोमेडिकल टेक्निक से उसको बनाया जाना चाहिए था उसके अंदर बहुत वास्ट लेवल पे धांधली हो रही है, ताकि वो बंदा पर्टिकुलरली अपने कंपनी से कमा सके। तो आपको जो बने हुए प्रोडक्ट्स बाजार में बहुत अच्छे दिख रहे हैं ना, वो एग्जैक्टली बहुत अच्छे बनाए गए हैं, बहुत अच्छे हैं नहीं, समझिएगा मेरी बात को। तो बहुत अच्छे बनाने में इसी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर प्रोसेस को एग्जैक्टली वैसे ही कैरी आउट किया जाए जैसे कि होना चाहिए तो आप डिजीज फ्री रहोगे, लेकिन उसी प्रोसेसेस में जितनी लागत लगनी चाहिए उस लागत को बचाने के चक्कर में ये बड़े बड़े मिल कारखानों के मालिक उसमें ऐसे धांधली करते हैं जिसका भुगतान हम इंसानी सभ्यता ही भुगते जा रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की पॉजिटिव एस्पेक्ट है जब आपका दिमाग सही है। अगर आपके दिमाग में लालच पैसा ये सब भरा तो इंसान इंसान का कद्र कहां करता है, वो जानता ही है कि एक जानवर को मार के दूसरे जानवर को बचा रहे थे तो इस जानवर को ही मार देते, क्या दिक्कत है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अमरजीत सिंह सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूं। अरे पुराना कुछ नहीं, आप लोग भाई लोग हो। चलो आगे देखते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी, अब देखो पहले के टाइम में बच्चा नहीं हो रहा तो बांझ हो गई मार दो, ये सारी चीजें अब नहीं है। आप कभी सुना है पिछले 5-10 सालों में कि फलाना बांझ है फलाना नपुंसक है, कोई सुनने में नहीं आता। क्यों? इतने सारे फर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं, हर चीज मतलब जो बच्चा पैदा नहीं कर सकता उसको बच्चा पैदा कराने के हजार तरीके हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। उन्हीं में से एक टेक्निक है टेस्ट ट्यूब बेबी। अ बेबी डेवलप्ड फ्रॉम एन एग दैट वाज फर्टिलाइज्ड आउटसाइड द बॉडी, जो बाहर निषेचित हुआ, एग को निकाला, स्पर्म को लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको फर्टिलाइज किया और फर्टिलाइज्ड जाइगोट को वापस अंदर प्लेस कर दिया जिससे जेस्टेशन कर सके, क्योंकि फलोपियन ट्यूब में वो फर्टिलाइजेशन नहीं करा पा रहा था लेकिन यूट्रस के अंदर वो जेस्टेशन यानी उसका डेवलपमेंट जरूर करा सकती थी, तो वो चीज बाहर लेके और फिर अंदर डाल दिया जाता है। अगर माता जेस्टेशन भी नहीं करा पा रही है तो फिर उसको लेके एक महिला को ले लिया जाता है जिसको पैसे दे दिए जाते हैं कि भैया इस जाइगोट को आप अपने पेट में पालो, गर्भ में पालो, और जब बच्चा हो जाएगा तो वो बच्चा हमें दे देना। दैट इज कॉल्ड अ सरोगेट मदर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एग सेल्स आर फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म आउटसाइड द बॉडी। द फर्स्ट सक्सेसफुल बर्थ ऑफ अ टेस्ट ट्यूब बेबी, उसका नाम था लुई ब्राउन, occurred on 25th July 1978, कहां हुआ था? Oldham General Hospital, Lancashire in England. और किसको हुआ था? तो पिताजी का नाम था जॉन ब्राउन, माताजी का नाम था लेस्ली। तो जॉन ब्राउन और लेस्ली को सबसे पहले IVF के द्वारा बच्चा हुआ जिसका नाम था लुई ब्राउन, फर्स्ट सक्सेसफुल IVF बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। और इंडिया में जो फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट ट्यूब बेबी थी वो थी दुर्गा, जिसको 1978 में, 1978 में 3 अक्टूबर को डॉक्टर सुभाषीष मुखोपाध्याय ने जन्म करवाया। दिस इज इन शॉर्ट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया हो। और जो लोग कह रहे हैं कि सर कहां से पढ़े कैसे पढ़े, बेटा जरा ध्यान से देखो, अड्डा 24/7 ऐप को आपको डाउनलोड करना है और वहां के बाद सीधे जाना है आपको अपने डिपार्टमेंट पे जिसका नाम है टीचिंग डिपार्टमेंट। टीचिंग डिपार्टमेंट पे आपको जाके करना क्या है, टीचिंग का महापैक लेना है। टीचिंग का महापैक आपको ऐसे दिख रहा होगा, टीचिंग डिपार्टमेंट में आओगे तो टीचिंग का महापैक आपको दिख रहा होगा, जो कि 12 महीने के लिए 3,500 में मिल रहा है। इतना सस्ता इस लेवल के कंटेंट में बेटा पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं तो कह रहा हूं कि समय ना बर्बाद करो, जल्दी से एडमिशन लो और अपनी तैयारी करो। इंडिविजुअली अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो PGT बायोलॉजी की भी बैच है 1600 रुपए में, TGT साइंस की भी बैच है 1600 रुपए में, PGT केमिस्ट्री की भी बैच है 1600 रुपए में। लेकिन ये 1648 प्लस पहले के ये बैचेस और आने वाले साल भर में बैचेस आपको सिर्फ चाहिए एक ही जगह, तो सिर्फ आपको देने पड़ेंगे कितना, ओनली 3449। और ये कब ऐसे आपको दिखाता है ये 14,999 का, लेकिन आप इसे 14,999 के जगह सिर्फ इतने में ले सकते हैं। कब? वाया अप्लाइंग द कूपन कोड Y223। तो इस कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलना। और मेरे हर एक शीट पे आपको ये कूपन कोड दिखता है जहां मैं रेगुलर अपनी क्लास टाइमिंग और साथ ही साथ अपनी कूपन कोड आपको बताते रहता हूं, ताकि गलती से कभी आप फुल पेमेंट ना कराओ। ठीक है, मुझे उम्मीद है आज की ये सेशन आप सबको पसंद आई। अगर हाँ तो डू लाइक एंड शेयर द सेशन। कोई भी सवाल हो, कहीं भी दिक्कत आ रही है बैच परचेज करने में, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। 24 घंटे के अंदर मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूंगा एंड आई विल एनश्योर दैट योर जॉब इज डन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।